हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई है और ये विज्ञप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भर्ती निकली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की राजकीय महाविद्यालयों में। तो उसको लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। कौन सी बड़ी अपडेट है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, 400 से ज़्यादा अधिक पदों पर जो है लेक्चरर की, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो है भर्ती आई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में जो 4 दिसंबर 2021 को जो विज्ञप्ति आई थी उसमें दो बड़े जो है यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो उम्र को लेकर हुआ है। जैसे कि आपको पता है 1/7/2021 तक जो एज कैलकुलेशन की डेट थी वो थी 21 से लेकर 42 वर्ष तक। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कार्मिक विभाग की ओर से वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए समूह क की भर्तियों के लिए, जी हाँ फ्रेंड, समूह क की भर्तियों के लिए जो है 1 साल की छूट दे दी गई थी। यानी कि आप तो अब ये उम्र जो बढ़कर 43 हो गई है, यानी कि अब जो है 1 साल ज़्यादा वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि इसके जो है इंटरव्यू को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी यहाँ पर लोग जो है बोल रहे हैं कि इसका जो रिटर्न होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और जो दूसरी बड़ी अपडेट जो सबसे बड़ी निकल के सामने आ रही है वो एलिजिबिलिटी को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर कि जो है दिनांक 24/12/2021 को आलोक में माननीय आयोग द्वारा स्नातक में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित हुआ है उसमें जो है अब आप 45% से कम अंक के अभ्यर्थी को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि अब अगर आपके स्नातक में, यानी कि अगर आपने अगर ग्रेजुएशन में 45 से अगर लेस आपके परसेंटेज हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो इसके लिए अब जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं फिर से ओपन हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी 2022 तक इसकी जो है डेट बढ़ गई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करें। तो दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो आई थी भर्ती। पहली बड़ी अपडेट की जो उम्र है 1 साल बढ़ा दी गई है, 42 साल से 43 साल कर दी गई है। और दूसरा, अगर आपके स्नातक में 45% से भी कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये अपडेट्स कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।